फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl गैस कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या होता है कलर, क्या होता है स्मेल, क्या होता है इसका नेचर, क्या होती है डेंसिटी, ये सारी चीजें हम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोग को, सॉलिबिलिटी, ये सारी चीजें हम लोग को देखना होता है फिजिकल में, फिजिकल प्रॉपर्टी में। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी इसका, सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी कलर। कलर क्या होगा इसका, कलरलेस होती है ये गैस होती है, कलरलेस, कलरलेस गैस। सेकेंड इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सर, है, हाँ बोलो ना। सर क्लोरीन पेली येलो कलर की होती ना, क्लोरीन पेली येलो कलर की होती ना। क्लोरीन एक लिक्विड है, पता है आपको? क्लोरीन गैस है कि लिक्विड है? सर गैस सर लग रहा है, गैस, सर गैस है। पढ़ा है ना 10th में, अरे 9th में पढ़ा होगा। यस सर, फ्लोरीन क्लोरीन यस सर, नाइन गैस, को पढ़ा ब्रोमीन लिक्विड होता है, लिक्विड। येलो कलर की ये गैस होती है, पेली येलो कलर की। ठीक है, सही कह रहे हो। तो स्मेल कैसा होगा इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एचसीएल गैस, कलर हो गया, कलरलेस गैस, एचसीएल गैस की बात हो रही है। स्मेल होता है इसका पंजेंट चोकिंग स्मेल, मतलब ऐसा लगेगा गला, मतलब कि गला पकड़ रहा है कुछ, चोकिंग, चोक हो रहा है, तो पंजेंट चोकिंग स्मेल। पंजेंट मतलब अजीब सा तीखा सा, चोकिंग स्मेल, पंजेंट चोकिंग स्मेल। तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी होती है टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होगा, एसिडिक होता है ये, हमको पता है कि ये पानी में जाने पे एसिड बना देता है ये, मॉइस्चर पाने के बाद, तो इसका टेस्ट हो जाएगा श्योर, ऐसा एसिड का होता है, श्योर इन टेस्ट। फोर्थ इसका नेचर कैसा होगा, फिजियोलॉजिकल नेचर कैसा होगा इसका, इसका नेचर मतलब अगर आपके हाथ पे गिरे या शरीर पे, स्किन के साथ क्या करता है ये? सर कोरोसिव। अब एसिडिक है तो कोरोसिव तो होगा भाई, तो ये कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, जला सकता है थोड़ा, कोरोसिव इन नेचर। ओके, बहुत दिक्कत होती है अगर आप इनहेल कर लें इस गैस को, बहुत दिक्कत होगी आपके लंग्स में, थ्रोट में, बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, फिफ्थ डेंसिटी इसकी, डेंसिटी इसका हेवियर देने एयर से तो हैवियर ही है। ठीक है, हैवियर देन 1.28 टाइम्स बोला था, तो 1.28 टाइम्स हैवियर देन एयर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इसका, बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा -83 डिग्री सेल्सियस, -83 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग। सिक्स सेवेंथ इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट -113 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब ये गैस है तो इसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है क्या? लिक्विफिकेशन आपने पढ़ा होगा कि अगर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगाया जाए, कहता हाई टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर अगर बहुत ज्यादा कर दिया जाए, आप ये बताओ मेरे को कि
कि आप वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करा सकते हैं क्या? नो सर, नहीं करा सकते हैं। यप। हाँ बोलो बोलो बोलो। करा सकते हैं कैसे करा सकते हैं? सर, प्रेशर को इंक्रीज सर, करो। प्रेशर को बढ़ा दो। ये बताओ रुद्र, 100 डिग्री सेल्सियस जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस समय पे प्रेशर कितना होता है? सर 180 P। 1 ATP, नहीं 1 ATM। यस सर। ठीक है, तो 1 ATM से ज्यादा प्रेशर कर दिया अगर आपने, अगर 1 ATM से ज्यादा प्रेशर कर दिया तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं करेगा वो, बताओ। कर सकता कर सकता है ना। प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर में क्या होता है? सब प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर बनाता है वो, प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वही जो चीजें हैं, जो चीज पकने वाली वो पक जाती है। सोचो आप पकाने के लिए कितना चाहिए, तो वो प्रेशर बढ़ाने से आप उसका बॉइलिंग पॉइंट को नीचे ला सकते हो। आर यू गेटिंग? अरे बॉइलिंग पॉइंट को नीचे ला सकते हो या आप लिक्विफिकेशन जल्दी कर सकते हो, जरा समझो। आधार समझ में आ रहा है ये? यस और नो? लिक्विफिकेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। जतिन समझ में आ रही है बात? यस सर। जे आदर्श बोल नहीं रहा है इसका मतलब क्लास में बैठा नहीं है, कुछ और कर रहा है ये। को पता है लिक्विफिकेशन मतलब व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई प्रेशर, व्हेन HCl गैस इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में बेटा और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन में ना प्रेशर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है, प्रेशर का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। ठीक है, प्रेशर जो होता है ना उसमें जरूर से जरूर बताना होता है कि इतना प्रेशर पे, नहीं बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा आपका, नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। प्रेशर नहीं बोला आपने, बोला कि हाँ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100। अरे किस प्रेशर पे? एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, एटमोस्फेरिक प्रेशर पे है वो। ठीक है, तो इसलिए प्रेशर का बोलना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो डेफिनेशन अधूरी है। तो व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई प्रेशर, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई प्रेशर, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई प्रेशर लगभग लगभग 40 ATM, 40 ATM, 1 ATM नहीं, 40 ATM एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर कितने पे? 10 डिग्री सेल्सियस इट इज लिक्विफाइड, इट इज लिक्विफाइड, इट इज लिक्विफाइड इजिली। इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। इसको आप क्या करोगे, हाई प्रेशर लगाओगे 40 ATM के आसपास और 10 डिग्री सेल्सियस पे भी टेम्परेचर रखोगे तो ये लिक्विफाई हो जाता है इजिली। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात कर ले, हमने बता दिया था सॉल्युबल था ये, यस और नो? पानी में? सर, यस हाँ बोलो। सॉलिडिफिकेशन हाँ? उल्टा है ना इसका, इसका उल्टा है सॉलिडिफिकेशन। लिक्विफिकेशन सॉलिडिफिकेशन अलग अलग चीजें हैं ना। लिक्विफिकेशन में लिक्विड में चेंज करेगा, सॉलिडिफिकेशन में वो लिक्विड से फिर किस में चेंज होगा? सॉलिड। सॉलिड में। सॉलिडिफिकेशन नहीं देखना है आपको, उतना डिटेल में मत जाओ।
लिक्विफिकेशन सॉलिडिफिकेशन हटा ही दे हम, लिक्विफिकेशन ही देखो यही ज्यादा है अभी तो। सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी क्या होती है गैस के, इसके वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है, इट्स हाईली सॉल्युबल, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, मतलब इतना ज्यादा सॉल्युबल है कि अगर 1 लीटर क्या है वाटर है तो उसमें 452 लीटर गैस क्या हो जाएगी सॉल्युबल हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे, इतना ज्यादा सॉल्युबल है, मतलब इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब वॉल्यूम का यूनिट जो ले लो आप, वाटर डिजॉल्व्स 452 वॉल्यूम ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है पता ही होगा आप लोगों को, यस और नो, यस और नो, पता है नहीं पता है सलोनी कितना होता है रूम टेम्परेचर, हैं? नहीं पता है नित्या सर, हमें करेक्ट तो नहीं पता, इनकरेक्ट पता है। जतिन मतलब एक्चुअल जो होता वो नहीं पता, उसके आसपास पता, तो आसपास बताओ, आसपास बताओ, बताओ जल्दी, 20 से 22 डिग्री तक, ठीक है। और नित्या आपने क्या बोला सर, हमने 24 बोला, 24 बोला, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं भाई, रुद्र 27, 26, सलो संस्कार का 26, जतिन का 27, विवेक आपका क्या है भाई सर, 24 to 30, अरे बाबा इतना लंबा रेंज 24 to 30, अच्छा विवेक 22, आदर्श एक बचे हो बस आप ही बता दो, 22 बताया आपने भैया, रूम टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जिस पे आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्ट रहे, मतलब आपकी 35 बॉडी टेम्परेचर होता सर शायद 35, अरे यार अब कंफर्ट होने की बात कर, 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द रूम टेम्परेचर, और 298 केल्विन, दिस इज द रूम टेम्परेचर। तो सबसे नजदीक नित्या थी, 24 बोला था, ठीक है, तो 20 मैं था सबसे नजदीक, क्यों तुमने तो रेंज बताया ना सर, उसने 26 बोला था, 26 बोला था, अच्छा तो दोनों लोग करीब नजदीकी हो, एक 24 एक 26, चलिए ठीक है, तो नजदीकी है तो। और HCl कैसा होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर सर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, कौन है भैया नॉन पोलर, कौन है नॉन पोलर वाला संस्कार, हैं मतलब कैसी हरकतें कर रहे हो अब,
पढ़ाई बंद कर दिए क्या करना है? क्यों? नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, पोलर होगा ना, HCl कोवेलेंट बॉन्ड होगा, पोलरिटी आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है हाइड्रोजन क्लोरीन में, क्या करते हो यार? कितनी बार पढ़ा दी गई है फिर भी एक चीज गलत करोगे आप। H और Cl में बॉन्ड बना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो इसके ऊपर चलता है निगेटिव, इसके ऊपर थोड़ा पॉजिटिव, पोल्स जनरेट हो गए तो पोलर हो गया ना ये, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, दिस इज पोलर कोवेलेंट। ओके ठीक है, अब एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है वो आप लोगों के एग्जाम में आता है तो उसको कर लेते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिबिलिटी ऑफ HCl गैस। ओके तो एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट। सर हाँ सर, आपने वो कैल्शियम वाला देखा था फिर? अरे हम टाइम नहीं मिला, हम देखेंगे, वो गलत है वैसे, हम देखे देखे तो नहीं लेकिन गलत है वो मेरे को जो लग रहा है। सॉलिबिलिटी, एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सॉलिबिलिटी ओके ऑफ HCl, ऑफ HCl गैस। ये जो इस एक्सपेरिमेंट से किया जाता है उसको फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये इसमें आपको शो करना है कि HCl गैस हाईली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। कैसे शो करेंगे इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हेडिंग देंगे हम लोग। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं इसमें हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं सूखा हुआ, एक ड्राई राउंड बॉटम्ड फ्लास्क लेंगे और उसमें ड्राई HCl गैस डाल देंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं सर, कैसे आएगी? चलिए दिखाते हैं हम। आपने एक फ्लास्क लिया राउंड बॉटम्ड, तो फिर क्या किया हमने इसमें,
ये फ्लास्क ले लिया आपने, ठीक है, इसमें HCl गैस है, इस फ्लास्क के अंदर HCl गैस है। अब क्या किया, मैं डायग्राम बना देता हूं उसके बाद आपको समझाता हूं। बोल कह रहे हैं हम तो बना रहे हैं, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रुक तो जाओ, बना तो लें दो। सर वो जूम के अपडेट पे आज सही से आवाज नहीं आती। सर मोबाइल के जूम पे को अपडेट कर लिया तो सही से आवाज नहीं आती उस पे भी। इन लोग ने अपडेट कर लिया है सर, पहले मैंने अपडेट लिया। अरे वाह, मतलब गेम जी, सबको गेम समझ लेते हो ना। आप ऐप पे ले लो। अरे ऐप पे ही हमने क्लास बनाई थी, ऐप पे ले लो, हमने ऐप का ही लिंक भेजा है। अब तुम्हारे ऐप से नहीं कनेक्ट हो रही तो हम क्या करें, हमने तो ऐप का ही लिंक भेजा है। यार इतना तामझाम बनाने से बढ़िया हम, एक मिनट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट ऑफ HCl गैस, देखो भैया ये डायग्राम को हम समझा देते हैं डायरेक्टली, समझ जाओगे आप लोग। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ये जो एक फाउंटेन का है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, एक मिनट,
हाँ जी देखिए ना, इसमें क्या है कि क्या किया गया है, इसको आपको बहुत समझना है। इसके अंदर HCl गैस भर दी गई है, ठीक है, इसके अंदर HCl गैस, ठीक। अब इसके अंदर एक फ्लास्क लगा दिया, फ्लास्क लगा दिया गया है, और इसके नीचे जो है ये सॉल्यूशन जो है ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। इसको अंदर जो भरा गया है इसके अंदर ब्लू लिटमस, ब्लू लिटमस का सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके अंदर रबर स्टॉपर भी लगा दिया गया, ये देखो रबर स्टॉपर लगा दिया गया है, ठीक। अब क्या किया गया, एक लंबे से ट्यूब से इसको पास किया गया और इसके अंदर ये रख दिया गया हमारा ब्लू लिटमस। अब ये जो ड्रॉपर को जब आप, ये ड्रॉपर लगा दिया गया इसके अंदर, ठीक है, ये ड्रॉपर, ये जो ट्यूब है इसमें फिल हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि नहीं, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है इसके अंदर फिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्यूशन, अरे बताओ ना। ये ड्रॉपर है आपका, ड्रॉपर देखा होगा, पिच नीचे से दबाएंगे, पिचकू टाइप का देखा होगा ना, आई ड्रॉप होता है चाहे कोई भी ड्रॉपर होता है, yes, तो ये ड्रॉपर है, ठीक है, और ये आपका एक ट्यूब है, ये जेड ट्यूब है, जेड ट्यूब है, ठीक। और ये ड्रॉपर जब आप प्रेस करोगे, जब आप ये प्रेस करोगे ड्रॉपर, तो क्या होगा, इसकी सॉलिबिलिटी इतनी अच्छी है HCl की, ये HCl इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, ये ब्लू लिटमस जो सॉल्यूशन इसके अंदर ये डिजॉल्व हो रहा है, और जैसे ही हमने दबाया तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो HCl है वो पूरा, ये देखो ब्लू कलर का ये जो दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर डिजॉल्व हो गया है, और ये जो सॉल्यूशन है ये नीचे ब्लू लिटमस का, ये पूरा मतलब फाउंटेन टाइप का फुहारा बन के ये निकलेगा ऊपर जाके। नहीं समझ में आ रहा है, बता दी। सर। देखो अरेंजमेंट को एक बार समझो, अरेंजमेंट को एक बार समझो, क्या है, एक नीचे बड़ा सा फ्लास्क लिया गया है, उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाल दिया गया, ठीक, और एक राउंड फ्लास्क लिया गया है जो कि उल्टा रखा गया है, देखो ये राउंड फ्लास्क है, इसको उल्टा रखा गया, इसमें HCl गैस भर दी गई है, और एक जेट ट्यूब, ये ट्यूब को जेट ट्यूब कहा जाता है, ये लंबी सी जेट ट्यूब उस सॉल्यूशन तक गई है, और ये एक ड्रॉपर भी लगा दिया गया, बाकी उसके बाद इसको पूरा पैक कर दिया गया, स्टॉपर वगैरह लगा के सब कुछ बंद, कोई भी कुछ कहीं पे भी नहीं जा पाएगा, कुछ सब कुछ बंद, ठीक है। अब जेट ट्यूब जो हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में रखा है, जब ये ड्रॉपर दबाओगे आप तो क्या होगा ना, कि ये जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है ये जेट ट्यूब के अंदर जाएगा, ठीक, जब ये ड्रॉपर दबाओगे तो शक करेगा, वो शक करेगा तो ये सॉल्यूशन उस पाइप से जेट ट्यूब से होते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये इसके अंदर से शक होके जाएगा ऊपर, और रेड कलर का फाउंटेन निकलेगा, ये फाउंटेन है रेड कलर का, रेड फाउंटेन निकलेगा। अब रीजन क्या है ये निकलने का, रीजन क्या है भाई, अब क्या है, जैसे ही आपने ड्रॉपर दबाया, वाटर जो है, ये जो ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, या तो वाटर कह लो, ये वाटर जो है, ठीक है, ये फ्लास्क में इसके अंदर जाएगा, ये जो है इसके अंदर जाने लगा, ये कंटेनर के अंदर, ये जेट के अंदर, ठीक है। अब HCl गैस जो फ्लास्क में है, ये HCl गैस जो कि फ्लास्क में है वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गई, तो अंदर पे प्रेशर जो हो गया वो फॉल हो गया, मतलब अंदर पे HCl गैस थी, गैस की वजह से प्रेशर होगा। अब वो जैसे ही गैस उस लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड है उसके अंदर डिजॉल्व हो गई, तो इस वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम, तो फाउंटेन इस वजह से निकला है, क्योंकि ये जो हमने ड्रॉपर दबाया था और ये जो लिक्विड जाएगा ये हाई प्रेशर में जाएगा, और यहाँ पे जाके लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर के रीजन में जाएगा तो वो क्या करेगा, जब क्या करेगा, वो
आप सोचो ना, आप वो पाइप गाड़ी धोते हो आप कभी, या घर में पाइप स्प्लिट हो जाएगा। हाँ मतलब फाउंटेन बनता है, आप आगे का दबाओगे मुंह लेजम का पाइप का, तो क्या होता है, स्प्लिट होता है कि नहीं फाउंटेन टाइप का? यस सर। वो क्यों होता है, आपने प्रेशर क्या किया? इंक्रीज। ठीक है, आपने दबाया उसका एरिया कम कर दिया, तो एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहां पे भी प्रेशर डिफरेंस की वजह से, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये ऊपर जाके फुहारा फाउंटेन बन के निकलेगा। और केवल इसीलिए निकला क्योंकि जो एयर प्रेजेंट, जो HCl गैस प्रेजेंट थी, जो HCl गैस प्रेजेंट थी किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, वो इसके अंदर डिजॉल्व हो गई, तो ये खाली हो गया, इसके अंदर कोई प्रेशर। अब भाई रूम के अंदर प्रेशर क्यों होता है? एयर की वजह से। एयर के जो पार्टिकल्स प्रेशर कैसे क्रिएट, अब ये रूम है, इस रूम के अंदर प्रेशर कैसे होगा, एयर भरा है तब भी, ये एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं ये जाके इस दीवार से टकराते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो आपका एयर का मतलब मॉलिक्यूल है, जो एयर का मॉलिक्यूल है ये जाके टकराएगा पर यूनिट एरिया पे, जो फोर्स लगाएगा वही प्रेशर होता है, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रेशर है ये क्रिएट गैस की वजह से होगा, इसके अंदर गैस रहेंगी तो ठीक। अब ये गैस इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो गई तो इसके अंदर का प्रेशर लो हो गया, इसके अंदर का प्रेशर लो हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, यहां पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है ठीक। बस जहां पे प्रेशर डिफरेंस आया वहां पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब ये हुआ ही इसलिए क्योंकि ये HCl गैस डिजॉल्व हो गई थी, उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है, बस यही रीजन है। ओके, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, अपने घर पे भी कर सकते हो अगर HCl मिल गया तो। अच्छा, इसका अरेंजमेंट बताना है क्या, केवल क्या करें, रीजन बता दें? यस सर। सर अरेंजमेंट तो आपने समझा ही दिया वैसे भी। When we press the dropper, when we press the dropper, the blue litmus solution, the blue litmus solution enters the jet. Enters the jet tube with a great force forming a red fountain. Reason behind this, reason as the water goes in the flask, water ka matlab ye solution ki baat kar raha hai, water goes in the flask from इस ड्रॉपर में भी हमने कुछ वाटर रखा है, ठीक है, इसके अंदर भी ड्रॉपर में भी दबाया तो इसमें से पानी गया। As the water gas in the flask from the dropper HCl gas sir, हाँ तो ये रेड कलर इसलिए हो गया क्योंकि फ्लास्क में HCl प्रेजेंट है। हाँ, एसिडिक की वजह से। हाँ, HCl गैस प्रेजेंट, अब ये ब्लू है ना सॉल्यूशन तो रेड हो जाएगा, तो एसिडिटी का भी नेचर हो चेंज हो, चेक हो गया। HCl गैस प्रेजेंट
in the flask dissolves due to its high solubility, thereby lowering the pressure inside. The outside pressure being higher, the outside pressure being higher blue litmus solution inside through the jet tube. एक चीज और जो बताया अभी नित्या ने, उसको भी इंपॉर्टेंट था, आपने नोट किया, काफी सही अच्छी बात है, ठीक है. तो क्या था वो, कि द ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ HCl गैस. अच्छा, आप लोग के मन के अंदर नहीं आ रहा विचार कि हम लोग करके देखें इसको, एक्सपेरिमेंट को? हैं? सब करके देखना तो पढ़ नहीं है, मतलब करके देखना तो है ही. अच्छा, करके देखना है तो अच्छा लगेगा ना, फाउंटेन निकलेगा रेड कलर का, इसमें से ड्रॉपर में पानी भरा है, थोड़ा दबाया और डिजॉल्व हो गया. सर, ड्रॉप ही भरा था. हाँ, तो ड्रॉपर में भी पानी भरा है ना, थोड़ा सा जो ब्लू कलर मतलब... का है, वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है अंदर. यस सर. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कहाँ दिखाए हम, ये यहाँ पे वाटर भी है ना इसके अंदर, तो ये ड्रॉपर दबाएंगे तो ये गैस सब इसके अंदर डिजॉल्व हुई, खींच गया इसके अंदर, खत्म. ठीक है सर, पहले फ्लास्क में पानी नहीं था, मतलब सब ड्रॉपर में था. हाँ, ये फ्लास्क में उतना नहीं रहेगा, ये इतना नहीं होगा कि फाउंटेन निकलेगा, ये पूरे फोर्स के साथ तभी जाएगा ना जब ये प्रेशर इसके अंदर लो होगा. ये फाउंटेन बन रहा है तो ये दिखाया है ना, ये भरा हुआ पानी पूरा इसके अंदर, ये भरा हुआ जो लिटमस पेपर का सॉल्यूशन है. तो ये खाली रहेगा. हाँ, ये शुरुआत में तो बिल्कुल खाली रहेगा ना, शुरुआत में तो खाली रहेगा, ड्रॉपर दबाने के बाद ये खींचेगा ना इसको. प्रेशर के डिफरेंस की वजह से खींचेगा इसको, और कोई उपाय ही नहीं है, बिना प्रेशर के डिफरेंस के कैसे खींच लेगा. किसी का कोई क्वेश्चन है? जतिन बताओ भाई. हैं? नहीं सर. आदर्श? चलो, केमिकल प्रॉपर्टी हमने बता ही दिया था, एक बार और लिखवा देते हैं इसको. केमिकल
प्रॉपर्टीज ऑफ HCl गैस. HCl गैस पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी कंबस्टिबिलिटी. कंबस्टिबिलिटी ये तो ना ही कंबस्टिबल है ना ही सपोर्ट करता है कंबस्शन का. HCl गैस ना ही कंबस्टिबल है और ना ही सपोर्ट करता है. ठीक है, द गैस इज नाइदर कंबस्टिबल नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर. मतलब ये नहीं सपोर्टर है, मतलब इसके एटमॉस्फेयर में अगर कोई जलती हुई चीज लाओगे तो बुझ जाएगी. सपोर्ट नहीं करता ये ऑफ कंबस्शन और ना ही इसके प्रेजेंस में जलेगा कोई चीज. कंबस्शन ठीक है, ये क्या होता है? बुझाने काम आता है कई बार. इट इज यूज्ड एज एक्सटिंग्यूशर फॉर अ बर्निंग स्प्लिंट. कोई जलती हुई चीज को अगर आप इससे HCl गैस को डालें तो वो बुझ जाएगी. ठीक है, कंबस्टिबल नहीं है. सेकेंड, थर्मल डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन. थर्मल डिसोसिएशन हीटिंग जब करेंगे इसका 500 से अबव पे, ऑन हीटिंग अबव 500 डिग्री सेल्सियस इट डिसोसिएट्स इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अरे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ठीक है, मतलब रिएक्शन लिख सकते हो आप लोग. HCl जो है अगर इसको 500 से अबव पे हीट किया जाए तो ये H2 प्लस Cl2, यहाँ पे 2 लिख दोगे बैलेंस हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा. मेटल के साथ रिएक्शन, थर्ड प्रॉपर्टी. समझ में आ रहा है? तो सिंपल है. यस सर. रिएक्शन विथ मेटल्स बताया अभी था मैंने कल. ये क्या है? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है मेटल वो इसको डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन. H2 गैस निकाल देंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज पढ़ा है ना. एक्टिविटी सीरीज क्यों सलोनी? यस सर. तो कोई मेटल अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो क्या करेगा? मेटल का क्लोराइड बना देगा. क्या बना देगा? मेटल का क्लोराइड बना देगा और प्लस H2S निकाल देगा. फॉर एग्जाम्पल Na प्लस HCl, NaCl प्लस H2, बैलेंस कर लेना. रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो. कैल्शियम मैग्नीशियम किसी के साथ भी करा लो. कैल्शियम HCl, CaCl2 प्लस H2. ठीक है सर. हाँ सर, अगर रिएक्शन बैलेंस करके नहीं लिखेंगे तो क्या? तब तो फिर ड्रामा होगा ना. नंबर कट सकते हैं. सर एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी सारी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो सारी इक्वेशंस होंगी रिएक्शन उनको भी बैलेंस. हाँ
इतना टाइम रहेगा? सब सब रहता है तो बैलेंस। हाँ सर, इतना टाइम रहेगा ही नहीं, सब रहता है सर। बैलेंसिंग इजी है, बैलेंस करना मुश्किल काम थोड़ी है, इतना तो प्रैक्टिस के ऊपर है। इसमें क्या है बताओ ना, दो एच है तो यहाँ दो लगा दो, काम खत्म। सीएल दो हो गया तो यहाँ पे भी दो, सीएल हो गया यहाँ पे भी दो लगा दो। अब यहाँ पे दो अन्य लगा दे तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब क्या बचा है भाई, खत्म हो गया कि नहीं हो गया बताओ। सर ऐसी इक्वेशंस आती हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बैलेंस। अच्छा अच्छा, हमको सर वो भी बता चुके हो। तो बैलेंस करना पड़ेगा बाबा, हम तो कह रहे हैं ना करना पड़ेगा। चलिए फोर्थ है केमिकल प्रॉपर्टीज की, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ एमोनिया। रिएक्शन विथ एमोनिया, एमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है विवेक? विवेक एमोनिया का फॉर्मूला अरे यार नहीं बोलोगे, गलत बात है। NH3, चलिए NH3 के साथ रिएक्शन कर लीजिए। किसका? HCl का। क्या बनाएगा भाई, क्या बनाएगा? ये गैस क्या बनाएगा? अरे जोड़ दो ना NH4Cl। सर एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम क्लोराइड सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू रिएक्शन कंबाइंस टू फॉर्म सॉलिड, यही डेंस व्हाइट फ्यूम्स देता है, ये भी डेंस व्हाइट फ्यूम्स देता है। अब आपका एसिड बचा है तो एसिड कल हो जाएगा खत्म, कोशिश करेंगे कल खत्म कर दें एसिड को, HCl एसिड को। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपनी अगला जो है एमोनिया है। ठीक है, एमोनिया फिर नाइट्रिक एसिड फिर सल्फ्यूरिक एसिड। चलो ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके।